आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति है। इस दिन मीन से मेष राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे और खर मास समाप्त हो जाएगा। खर मास समाप्त होने से विवाह ग्रह प्रवेश मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी। मेष संक्रांति पर नदी स्नान के साथ दान पुण्य करने की परंपरा है। इस पर्व पर ये शुभ कार्य करें, इससे दोष हटेंगे और आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं इस पर्व पर कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। मेष संक्रांति के पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद घर पर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद सूर्य देव की विशेष पूजा करें। सूर्य देव के लिए गुड़ का दान करें। संक्रांति पर स्नान के बाद पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि शुभ काम भी करना चाहिए। दोपहर में गाय के गोबर से बना कंडा जलाए और जब उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए तब उस पर पितरों का ध्यान करते हुए गुड़ घी अर्पित करें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर पितरों को जल अर्पित करें। इस दिन स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और फिर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। धन अनाज कपड़े जूते चप्पल छाता गुड़ गेहूं का दान करें। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें संक्रांति पर सूर्य देव के लिए पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्य देव 9 ग्रह के राजा हैं और इस वजह से सूर्य देव की कृपा से कुंडली के कई दोष शांत हो सकते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय भी किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, मेष संक्रांति के दिन साधक के लिए सत्तु का दान बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा सत्तु का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है। मेष संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष लाभ मिलता है, इसलिए इस दिन पानी से भरा घड़ा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को 1 महीने के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। और आप जानते हैं मेष संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। मेष संक्रांति पर गंगा के अलावा दूसरे पवित्र नदियों में स्नान का कई गुना फल मिलता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति पितृ दोष से परेशान हैं, उन्हें इस दिन तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन श्रीफल के तौर पर बेल का फल, सत्तू, पंखा, आम का टिकोरा और मिट्टी के घड़े में जल भरकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे मनुष्य को सभी तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है और पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। मेष संक्रांति के दिन सभी साधकों को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है और व्यक्ति का हर काम सफल होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की साबित होगी और अब हमको आप आज्ञा दीजिए। आपसे अगली मुलाकात जल्दी होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।